कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन जिसके सदर बशीर अहमद राफिक साहब हैं, मैं चीफ स्पोक्स पर्सन फिलहाल अहमद मंडू KTMF, ये चीज महसूस करता है कि आज चूंकि कल जो हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी जो बजट का पिटारा खोल दिया पार्लियामेंट में, तो हमने ये कुछ थोड़ा बहुत स्टडी करके आज हम इस पे कुछ रिएक्शन देना चाहते हैं। रहे सवाल ये बजट की, आज से दो महीने पहले हमने जो तजवीजें दे दी थी ट्रेड के हवाले से, हमें पूरी एक्सपेक्टेशंस थी उस हवाले से, इवन खाली हमने तजवीजें भी नहीं दी थी बल्कि मेमोरेंडम भी पेश किया था। तो ये वर्चुअल मीटिंग थ्रू वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जो उस वक्त थे, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में हमारे ऑनरेबल जो हमारे फाइनेंस के कमिश्नर हैं अटल डोलो साहब और डिप्टी चीफ सेक्रेटरी भी आते हैं, तो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उनके माध्यम से हमने जो वहाँ पे तजवीज़ें दी थी ऑलरेडी दो महीने पहले, और उनको तजवीज़ों के साथ साथ अपना कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन का जो मौकफ़ है, जो हमारी प्रॉब्लम्स थी ट्रेड रिलेटेड, तो वो हमने एड्रेस की थी, रिटन मेमोरेंडम दिया था। मगर कल जब ये बजट का पिटारा खोला गया तो हमने देखा कि हम बहुत ही मायूस हो गए। तो हमारी जो वो ट्रेड की एक्सपेक्टेशंस थी उसमें ये कुल मिला के ये कश्मीर के लिए हमारी यूटी के लिए 35,500 करोड़ का ये जो बजट था उसमें हमारे वो जो हमारे मेन जो उसमें था जो डल और निगील लेक का 275,000 करोड़ का बजट पेश किया गया उसके लिए, तो उसमें जो हमारा जो ट्रेड है उसके लिए कुछ भी नहीं गया कर रखा गया था। तो इस वजह से हमें जो बिजनेस ऑलरेडी हम ख़त्म हो चुके थे, हमने बोला था जो हमने तजवीज़ें दी थी कि इससे कुछ अगर बजट में कुछ हमें राहत मिलती तो हमारा बिजनेस पटरी पे आ जाता और हमारी इकोनॉमी भी ग्रोथ होती, मगर बदकिस्मती से उसमें कुछ भी नहीं था। और इस हवाले से अभी मैं कहूँगा कि जो हमने बजट में नज़र दे दी उसमें फर्टिलाइजर सेक्टर है उसको भी रिड्यूस किया गया, फूड सेक्टर उसको भी रिड्यूस किया गया, हेल्थ सेक्टर वो तो बिल्कुल ही ऐसा का जो जैसे कि लास्ट ईयर था वैसा का वैसा ही। और उसमें एक ठीक जो वेलकम स्टफ है जिसका हम वेलकम भी करते हैं वो हमारा क्योंकि टूरिज्म उसमें वो क्रेडिट पॉलिसी रखी गई है, तो कुल मिला के वो ठीक है टूरिज्म के हवाले से, वो क्रेडिट पॉलिसी के हवाले से तो हमें लगा कि वो ठीक ही है। बाकी वो जो उसके कंसर्न में आते हैं वो उसी पे टूरिज्म के हवाले से वही रिएक्शन दे सकते हैं। तो हमारे हिसाब से जो क्रेडिट पॉलिसी उसमें है उसका वेलकम करते हैं, वो एक अच्छा स्टेप है। रही बात जो वो इससे क्या होगा कि आने वाले दिन है इसे हमारा बिजनेस भी और डाउन हो जाएगा और हम हैंड टू माउथ हो जाएंगे। कुल मिला के जो बजट पे हमें एक्सपेक्टेशंस थी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और हम बिल्कुल इस बजट से मायूस हो चुके हैं। जनाबी ली सबसे पहले आपने तो MSME की बात की, MSME क्या चीज़ है? ये तो एक मतलब जो गवर्नमेंट ने हमें ये पॉलिसी रखी है MSME के तहत जो 20% उसमें लोन प्रोवाइड किया गया था वो तो एक हिसाब से सूद पे सूद है और हमारी गवर्नमेंट को ही जाता है, उससे हमें कोई फायदा नहीं है। एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूं तो जो आप हमें एक्सपेक्टेशंस थी अब तो वो सारे एक्सपेक्टेशंस अब रहा ही नहीं, तो बजट तो ओपन हो चुका है। जैसे कि हमें एक्सपेक्टेशन थी इंटर सबमिशन जो है हमें वो लोन्स जो हमें CC लोन्स है उसमें इंटरेस्ट कम किया जाता, GST में जो हमारा वो कम किया जाता, टैक्स स्लैब टैक्स की जो हमारा स्लैब था वो भी रिड्यूस हो गया है, टैक्स स्लैब जो इनकम टैक्स के हवाले से उसमें भी कुछ नहीं है। तो इस हिसाब से हाँ एक चीज है जो ओवरऑल जो हमारे नेशनल हाईवे के लिए उन्होंने 20,000 करोड़ रुपया ये बजट में रखा है, हम उसका वेलकम करते हैं क्योंकि वो रोड कनेक्टिविटी तो बहुत जरूरी चीज है, वो चीज उसमें है वो तो ठीक है, काबिल तारीफ है,
मगर उसमें भी ये देखना है कि हमारी जो यूटी है उसमें ये जो नेशनल हाईवे के लिए 20,000 करोड़ है उसमें यूटी के लिए क्या रखा है, अभी वो देखा ही नहीं है। ओवरऑल मतलब उससे मुल्क का भी फायदा होगा, जो नेशनल हाईवे का प्रोग्राम उनका है 20,000 करोड़ का, तो वो वेलकम स्टेप है।